अपन संस्कृति अपन पहचान बोल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम। तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव के हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हल्दी मेहंदी हो गई, शादी हो गई, तो आज जो है महिला संगीत है और पार्टी है साथ में ही है। तो महिला संगीत में डांस वगैरह होते हैं और जो भाभी आई है नहीं तो उनका भी परफॉर्मेंस वगैरह होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, नीचे गाड़ी आ चुकी है, तो अब चलते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मेरी भाभियाँ दो दो गजब लग रही हैं आज। वो एक भाभी वो है, एक ही है। ये मेरी मातेश्री और ये तो आज तो महिला संगीत जो है शुरू हो चुका है और सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। स्टार्टिंग जो है भजन कीर्तन वगैरह से होती है, उसके बाद परफॉर्मेंस होंगी, डांस परफॉर्मेंस होंगी। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि कॉपीराइट की वजह से गाने नहीं डाल पाते व्लॉग्स में, तो इसलिए ताली बजा ताली। हाँ जोर से अच्छे गांव से आ गए हम। मेरी दोस्त यूवी तो बात करो, यूवी मेरे को मिल गई।
हेलो गाइस, यहाँ तो हेलो गाइस गाइस से बुआ है। अच्छा, ये भी चलो ना दिल्ली। दिल्ली आ जा यार। नहीं है खतरनाक तेल लगा के वहाँ। बता देना घर आना, बोल बुआ को। यहाँ बोलना जा रही है गांव। गांव जा रही है बकरियों के पास। हाँ बोल, हाँ बोल, पापा के पास जा रही हूँ बोल। अच्छा, दिल्ली कब आएगी फिर? बाद में आऊंगी बोल। नहीं आऊंगी, सीधा नहीं आऊंगी, बाद में आऊंगी बोल। मम्मी के साथ आऊंगी बोलना। मम्मी के साथ आना। हाँ बोल। इधर तो देख, हाय दगड़ियों कर दे। हाय दगड़ियों तो करते। तो दगड़ियों, अभी हम जा रहे हैं दुकान, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लाने के लिए, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आप देखोगे तो आप भी सोचोगे। तो आप सस्पेंस में रहिए तब तक कि हम क्या लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ लेने जा रहे हैं जिससे स्वाद आता है खाने में, ज़्यादा ही आता है। पास्ता में, मैक्रोनी में, मैगी में, मैगी में, मैगी में भी डालते हैं। तो गाइस हम काले हो चुके हैं बहुत ज्यादा, भिकमंगी लग रही है धूप से। गाइस मेरे हाथ में कितने बोरे हो गए, भी काले हो जाएंगे कुछ दिन में और आ सकते हैं। गाइस प्लॉट बिकाओ है, जिसको लेना है आ सकते हैं, है। प्रमोशन कर दिया मैंने। गाइस मैगी मसाला। तो दगड़े हम ये लेने आए थे, इतनी सी चीज़ लेने के लिए हम घर में इतना बड़ा ताला लगा के आए हैं। चाबी दे। आज बनाएंगे हम मैक्रोनी। मैक्रोनी क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? पास्ता। पास्ता बनाएंगे गाइस हम। तो दगड़े अब हम बना रहे हैं, हमने रख दिया है कुकर में उबालने के लिए। ये देखो, ये जूस पी रही है माल्टे का। ये जूस हम लाए थे कहाँ से लाए थे? उडियारी बैंड। उडियारी बैंड से लाए थे। हम पी रहे हैं संतरे का जूस, माल्टे का जूस। गाइस, तो गाइस, तो दगड़ियों, हम पागल ही गए हैं। अब क्या कर रहे हैं यार? तो दगड़ियों बताओ, आपको कल रात तो हम मैगी मसाला लाए हैं। ये देखो, मैगी मसाला ले लो। ये डालूंगी मैं। तो गाइस कल रात को पता है क्या हुआ? तूने जूस नहीं पिया? जूस अभी पीती हूँ ना। तो गाइस कल रात को पता है क्या हुआ? मैं बताऊँ? अभी बताती हूँ। हाँ, तो गाइस कल रात को हुआ ऐसा कि ओ जा पंखा दिख गया हमारा। 12 बजे तक हम बात है, 12 ही बजा था। हाँ, इसका फोन नीचे चार्ज पे लगाया था, तो हमने खड़िंगो बैठिंगो लगा रखे। तो हम खड़िंगो बैठिंगो बैठिंगो है। फिर उसके बाद होता है ये ऐसे आई, फिर मतलब इसने फोन चार्जर से निकाला नीचे से, तो फिर मैं ऊपर बेड में थी, फिर नीचे से ऐसे चार्जर निकाल के लेके आई, इसने मेरा पैर ऐसे पकड़ा। हाँ, मैंने खाली ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करा इसके पैर में, और इतनी तेज चिल्लाए रात के 12 बजे ऐसे करके, अम्मा आ गई नीचे से छम छम, और मतलब पूरे घर में गूंज गई आवाज, ऊपर से नीचे फ्लोर तक पूरे घर में आवाज गूंज गई। उसके बाद मम्मी आई, छम छम पायलू की आवाज, हम डर गए। हमने कहा आज तो हम गए, हम पिटने वाले थे। हमने एक्टिंग करी सोने की, हम सोए हैं, और हंसी इतनी आ रही हंसी, ऐसे टाइम कंट्रोल भी नहीं होती है। छम छम मम्मी की पायलू की आवाज, मम्मी देख दुख के गए। फिर उसके बाद पंकज ने सब मम्मी को बता दिया कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, अभी तक खिचखिचाहट कर रहे थे। फिर मम्मी आए, अम्मा बोलती 12:01 और खिचखिचाहट कर रहे हैं, कोई तमीज नहीं है, लोग सो गए, इनकी अम्मी आंधी बात ही पूरी नहीं हो रखी है करके अम्मा फिर चले गई। फिर अम्मा, तो फिर उसके बाद हम लोग कैसे हंसे हो रही थी हमको। हाँ,
फिर उसके बाद हम जब अंबानी जी गई फिर थोड़ा हंसे, फिर डर भी लग गई हमको फिर हमने प्लान भी बना दिया था कि वो लोग बोलेंगे, मम्मी लोग बोलेंगे क्या हुआ था कल रात करके, तो फिर मैंने बोला था कि ऐसे बोलूंगी यार ये सपना हुआ था मैं भूल गई करके क्योंकि बहुत मतलब चुड़ैलों की तरह चिल्लाई थी ऐसे करके उसके बाद मैंने ऐसा बोला कि मैं हमने प्लान बना लिया था पूरा, फिर पंकज आए सुबह, फिर वो बोलते मैंने तो मम्मी को बता दिया था ये खिचखिचाहट कर रहे हैं, पंकज झूठ नहीं बोलता, कोई भी बात हो झूठ नहीं बोल देगा, सब सच बता देता है सब, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोला जाएगा इससे, यहाँ इतना भर भर के झूठ बोलते वो भी कम पड़ता है हम फसा कर देते और हमारे मैक्रोनी का सुशी बन गया है, ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गल गया, और लैटे बन गया इसका यार हमारे साथ लॉल हो चुके हैं और ये बहुत ज्यादा गल चुकी है, 5 मिनट में ऐसा हो गया इसका पता नहीं यार, एक तो आज भी फूट गया इसकी, गजब बेइज्जती हो गई, अब दोबारा लानी पड़ेगी, छोड़ रहे हैं एकदम, ये मैक्रोनी है यार क्या है ब्रो। तो दगड़िया हमारा पोपट हो चुका है, मैक्रोनी जो है ज़्यादा देर तक उमल गए क्योंकि हम फसक में लग गए, और ऐसा लग रहा है भगवान भी हमारे साथ मजाक कर रहा है, भगवान भी हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है, कल से कुछ खाने जा रहे हैं तो मिल नहीं रहा, कुछ बना रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा, पूरा गल गया वो इतनी भयंकर तरीके से, अब हलवा बन गया उसका, मैं दोबारा दुकान जा रही हूँ मैक्रोनी लेने के लिए, परम बना के रहेंगे हम, हार नहीं मानेंगे, भगवान चाहे हमारे साथ कॉमेडी क्यों ना करे हम बना के रहेंगे, जैसे कल गए ना वैसे ही आज करेंगे, अपन से पंगा नहीं इतना ही बस, इतना ज़्यादा मत डाल। तो गाइस हमने जो है मैक्रोनी खा ली है और मौसम जो है बाहर बहुत ही मस्त हो रहा है, हम सो गए थे उसके बाद, आंखों से पता चल रहा होगा आपको हमारी आंखें बहुत छोटी छोटी हो जाती है वैसे ही छोटी हैं तो अब हम खा रहे हैं, हमने बनाया है दाल भात जीरा राइस, मतलब जीरा भात बाद में जीरा ऐड रखो बस, और पूरी सब्जी रायता पहाड़ी रायता, गाइस नॉर्मल रायता तो सभी खाते ही हैं, पहाड़ी रायता बनाया है हमने, वो बनाया है चटनी बनाई है, और पूरी भी है, और ये क्यों है यार, हलवा ये बनाया है, तो अब हम खाते हैं फिर उसके बाद, अभी भी घर वाले नहीं आए हैं तो हम अपन दोनों ही घर पे अकेले, ये देखो रायता डाल रही है रायता बना के उन्हें डब्बे में डाल रखे हैं, घर वाले भी खाएंगे ना तो गाइस हमने खाना खा लिया और यहाँ पे मौसम इतना बिगड़ चुका है ये कौन चुड़ैल थी ये तो चांदनी थी, उसके बाल देखो भयंकर, अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे बाल मेरे हाथों में नहीं आ पा रहे हैं, मस्त मौसम हो रहा है, बजर पड़ रहा है वहाँ पे पीछे साइड को, और बजर पड़ रहा है इसलिए अब हम फोन जो है फ्लाइट मोड पे डाल रहे हैं अपना, तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी बजर पड़े फोन फ्रिज लाइट टीवी सब कुछ बंद करके रखें, हाँ और अपना फोन जो है फ्लाइट मोड पे डाल दें क्योंकि बजर आपके ऊपर भी पड़ सकता है, तो यहाँ का मौसम बहुत ही विचित्र है, कभी भी आंधी तूफान आ जाता है, तो अब क्या करें, घर के सारे लोग आ चुके हैं, हम ले रहे हैं हल्द्वानी की ठंडी हवा हम ले रहे हैं अभी हल्द्वानी की ठंडी ठंडी हवा जो आ रही है नीचे साइड नैनीताल साइड से, ऊपर चमाचम भगवान जी हमारी फोटो खींच रहे हैं, फ्लैश लाइट जल रही है, बाल ऐसे क्या उड़ रहे हैं ये कबूतर जैसे तब हम जो है तो घूम
हो तुम, घूमने तो देख ले इधर जा ली थी मैं तो घूम रही हूँ। वही बना रही है स्नैप स्ट्रीक और पीछे साइड खेत ही खेत है। अभी हम हैं इस जगह में BLM स्कूल के पास में ही है, यहाँ से BLM स्कूल भी दिखता है, नैनीताल भी दिखता है। BLM स्कूल ही है ना, बिहारी लाल मिश्रा स्कूल अकेडमी। यहाँ पे पीछे साइड में ये ना BLM। बस और क्या दिखाएं आपको, अब मैं गाने सुनती हूँ।